हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मा रक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन फॉर टीबी टीबी के जिसको हम हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं तो क्षय रोग के जो इलाज के लिए जो हम मेडिसिन प्लस जो थेरापी कही जाती है टीबी के लिए प्रॉपर एक थेरापी कि जिसको कहा जाता है डॉट्स थेरापी तो डॉट्स थेरापी की जिसका टैगलाइन है कि पूरा कोर्स और पक्का इलाज तो डॉट्स थेरापी की जो सारवर है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ की जाती है इन वेरियस डॉट्स सेंटर कि जो गवर्नमेंट जो कैंपेन चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो डॉट्स थेरापी प्रॉपर दी जाती है टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनके प्रॉपर इलाज के लिए तो डॉट्स थेरापी के अंदर कौन से मेडिसिन वगैरह इंक्लूडेड है किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है तो वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि रोग और उसका इलाज किस तरह से होता है तो टीबी के जो इलाज के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो थेरापी है उसका नाम है डॉट्स थैरापी इंग्लिश में उसको कहा जाता है डॉट्स थेरापी तो डी ओ टी स्पेशली तो डी ओ टी का समझो कि हम देखिए कि डॉट्स के अंदर डी ओ टी सिर्फ हम यहां पे लेते हैं तो डी का मतलब होता है डायरेक्टली डी फॉर डायरेक्टली ओ फॉर ऑब्जर्व एंड टी फॉर थेरापी तो डी ओ टी मतलब कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकलोसिस और यह है उसका मेन टेग लाइन डॉट्स थेरापी की जो पूरा कोर्स और पक्का इलाज तो डॉट का जो फुल फॉर्म होता है वो है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकलोसिस तो उसके अंदर अलग अलग जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट एंटीबायोटिक्स क्लास की ड्रग की जो है एंटी ट्यूबेरकुलर ड्रग एंटी ट्यूबरक्यूलर एंटीबायोटिक ड्रग्स की ऐसी ड्रग्स है कि जो एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है कि जो स्पेशली यूज़ की जाती है टू ट्रीट द ट्यूबरकुलस बिकॉज हमने पार्ट ए वन एंड पार्ट टू वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी की कि जो टी है वो है बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका हमने नाम दिया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया तो ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेशेंट को कम्प्लीटली ये बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन है उसमें से रिलीव करने के लिए हम ये मेडिसिन उसको देते हैं तो जो टीबी के जो डॉट सेंटर है जो कहे जाते हैं कि स्टॉप द टीबी कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे अलग अलग टैगलाइन से स्टॉप टीबी यूज डॉट्स टी बी डॉट्स ट्रीटमेंट सेंटर कि जहाँ पर एक सह रोग का जो इलाज किया जाता है वो भी निशुल्क। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीबी का एक डॉट्स सेंटर कि जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हम देख सकते हैं कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आजीविका ब्यूरो का संयुक्त प्रयास टीबी का ये डॉट्स सेंटर तो यहाँ पे लिखा है कि टीबी का संपूर्ण व निःशुल्क इलाज तो ये जो डॉट सेंटर जो चलते हैं वहाँ पे टीबी का जो इलाज है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है निशुल्क किया जाता है इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग लोगों तक पहुँचाने की जिससे पता चले सभी को कि जो टीबी का जो इलाज है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है विदाउट एनी टाइप ऑफ मनी तो कम्प्लीटली फ्री ऐसे तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है ऐसे तो बहुत सारे डॉट्स के जो सेंटर है वो अवेलेबल है कि आप जस्ट गूगल सर्च करोगे तो भी आपको आपका जो नज़दीकी टी बी का डॉट सेंटर है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी तो जो स्टूडेंट डायरेक्टली पार्ट थ्री वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो फार्मारॉक्स की जो चैनल है वहाँ पे विजिट करके पार्ट वन एंड पार्ट टू वीडियो लेक्चर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस टीबी पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑलरेडी अवेलेबल है कि पार्ट वन में हमने डिसीज के कोजेस के बारे में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जाना पार्ट टू के अंदर किस तरह से डायग्नोसिस होता है एंड अभी जो पार्ट थ्री के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है रिगार्डिंग द मेडिसिन तो जो डॉट्स थेरापी के अंदर जो मेडिसिन यूज होती है उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये ब्लिस्टर तो ये ब्लिस्टर के अंदर अलग अलग जो टीबी की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो अवेलेबल होती जिसके कोड यहाँ पे लिखे हैं। तो ये कोड क्या इंडिकेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे मैं आपको डिटेल में ये कोड के बारे में भी बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द जेड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ई व्हाट डू यू मीन बाय द एच एंड दिस इज द आर तो ये कोड में से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकलते हैं और पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो एंटी ट्यूबरकलोसिस मेडिसिनस को यूज़ करके टी का इलाज किया जाता है कि जिसके अंदर अवेलेबल होती है आइसोनीजिड रेफाम पेसिन पायराजनामायड इथामब्यूटोल वग़ैरह एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक ड्रग्स और वो टीबी के जो डॉट सेंटर है वहाँ से आपको मिल जाते हैं कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक टी का जो डोट सेंटर है उसकी यहाँ पे हमने एक इमेज रखी है आपके लिए रेफरेंस के लिए कि जहाँ पे टीबी का इलाज जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है निशुल्क सारवा की जाती है पेशेंट की टू क्योर दिस डिशीज टीबी. तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में तो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल एम प्रेस ऑन द बेल अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो फार्मारोक्स की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए एप्पल आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर पर से आप आईफोन के लिए भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि जहाँ से आपको उसकी जो है वो लिंक भी मिल जाएगी तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन अवर ऐप गेट द लिंक इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन तो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी जिसको अलग अलग स्टेजेस के अंदर किया जाता है अलग अलग फेजेस होती है जिसके अंदर सबसे पहला जो फेज होता है वो कहा जाता है इनिशियल फेज तो इनिशियल फेज के अंदर पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है वो है आइसोनिएजिड तो यहां पर हम देख सकते हैं कि आइसोनियड फिर रिफार्पिसिन एंड पायराजनामड तो ये तीन कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को अबाउट टू मंथ प्लस जरूरत पड़े तो इथाम्ब्यूटॉल इफ द ऑर्गेनिजम इज सस्पेक्टेड टू रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो ज़रूरत पड़े तो आप ये तीन के साथ फॉर्थ इथामब्यूटॉल भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते है. तो उस वक्त क्या होगा आइसोनिएजिड प्लस रिफाम पिसिन प्लस पायराजिनामाइड प्लस इथामब्यूटल ऐसा होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो वरना ये तीन जो है वो बनेंगे पहले दो महीने के लिए इनिशियल फेज़ के ट्रीटमेंट की मेडिसिन फिर सेकंड फेज की जो चार महीने तक चलेगा उसके अंदर आइसोनिएजिड एंड रिफॉम पिसिन जो है वो हम पेशेंट को देंगे तो ये अच्छे से आपको याद रखना है फेजेस कि जो पहले दो मंथ के लिए कौन से मेडिसिन की जो कही जाती है इनिशियल फेज और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है जिसको कंटिन्यूस फेज भी कहा जाता है और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है अराउंड अबाउट द फॉर मंथ तो इस तरह से सिक्स मंथ के लिए पेशेंट को के इनिशियल फेज दो महीने के और बाकी के चार महीने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स ड्रग दी जाएगी कि जो है आइसोनी रिफाम पिसीन एंड वायराजनामड फर्स्ट टू मंथ के लिए और ज़रूरत पड़े तो इथाम इथाम्ब्यूटॉल और बाकी के महीनों में आइसोनिजिड एंड रिफॉम्पेसिन उसका कॉम्बिनेसन पेशेंट को दिया जाता है तो टीबी कैन यूजअली बी कम्प्लीटली क्योर बाय द पर्सन विथ टीबी टेकिंग अ कॉम्बिनेसन ऑफ टीबी ड्रग कि टी कैन भी यूजली बी, बी कम्प्लीटली क्योर by the person with TB if taking a combination of TB drug. अगर TB का जो person है वो ये medicines regularly लेता है तो वो जरूर से cure हो जाता है सिर्फ उन्हीं cases में cure नहीं होता कि वहाँ पर drug resistance develop होता है TB का कि कुछ ऐसे भी patient होते हैं कि उनको ये medicines का जो है resistance develop हुआ होता है उनकी body के अंदर तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होती बट उनके लिए भी काफी अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं जिससे आप टीबी को क्योर कर सकते हैं सो टू क्योर द टीबी मस्ट टेक द मेडिसिन आफ्टर इंफेक्टेड विथ टी बी अगर आप टीबी से इंफेक्टेड होते हैं तो जरूर से उसका इलाज करिए ये आफ्टर द इन्फेक्शन और इलाज कराने में कंप्लीटली आपको कोई पेमेंट नहीं करना है डॉट सेंटर की विज़िट करिए विजिट द डॉट सेंटर एंड वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है कि जो प्रॉपर जो पार्ट वन में हमने सीखा पार्ट टू के अंदर सीखा कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करके टेस्ट वगैरह करके फिर जो उसकी मेडिसिन से वो दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डॉट सेंटर तो ज़रूर से आपको डॉट सेंटर की विज़िट करके पेशेंट की जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए तो जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है जिसको कहा जाता है आर तो आर का ये एक टेबल है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जिसकी ये इंफॉर्मेशन में से आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल सकते हैं तो पहले तो ये फुल फॉर्म याद रखना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर एन टी सी पी रिवाइज नेशनल ट्यूबर कंट्रोल प्रोग्राम एंड डॉट्स प्लस गाइडलाइंस डॉट्स का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी तो ये ट्रीटमेंट के अंतर्गत टोटल पांच अलग अलग ग्रुप के अंदर ये मेडिसिन को डिवाइड कर दे जिसके अंदर ग्रुप वन जो के अंदर ऐसे मेडिसिन है कि जिसको फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग कही जाती है कि जो ओरल ही दी जाती है पेशेंट को टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में कि लाइक आइसोनिजिड रिफाम्पिसिन पायराजनामायड एंड इथाम्ब्यूटॉल और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप नीचे पढ़िए कि ग्रुप वन आर द मोस्ट पोटेंट एंड बेस्ट टॉलरेटेड ओरल ड्रग्स यूज़ रूटीनली कि ग्रुप वन की ऐसी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेस्ट टॉलरेटेड ड्रग्स है कि जो रूटीनली यूज़ होती आई रही है फिर हम जाते हैं ग्रुप टू की और दीज आर द इंजेक्टेबल एंटीटीबी ड्रग्स कि जो इंजेक्टेबल कि जो इंजेक्शन के तौर पे दिए जाते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन कानामाइसिन एमिकासन कैप्रियोमाइसिन वगैरह तो ग्रुप टू आर द पोटेंट एंड बैक्टेरिया सीडल सीडल मतलब कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करती है बट द कंडीशन इज दैट दे आर इंजेक्टेबल उनको पेशेंट को ये जो मेडिसिन से उनके पेशेंट को इंजेक्शन लेने पड़ेंगे तो इसके कारण कई बार जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ते कि इंजेक्शन के जो डोजेस फॉर्म जब आते हैं तो पेशेंट कंप्लायंस डिक्रीज होता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लेना पसंद नहीं होता कि और वो ज़्यादातर टैबलेट्स प्रेफर करते हैं फिर तो उनके लिए आपके पास ग्रुप वन का ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है फिर ग्रुप थ्री की जो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग है जिसके अंदर ओफ्लॉक्सासन इंक्लूड है लिवोफ्लॉगजासन मॉगजी एंड तो ये इंक्लूड करते हैं फ्लोरोक्नोलॉन्स विच आर वेल टॉलरेटेड बैक्टेरियाडल ओरल ड्रग एंड ऑल पेशेंट विद ड्रग रेजिस्टेंस टू टी बी शुड रिसीव वन फ्लोरोनोलॉन ऑल्सो तो फ्लोरोनोलॉन्स भी एंटीबायोटिक ही है अगर टी बी की जो एंटी ट्यूबेरिकुलर ड्रग्स ग्रुप वन या ग्रुप टू के अंदर है उनका समझो कि रेजिस्टेंस है किसी पेशेंट को तो वो जो है उनको कोई एक फ्लोरोनोल आपको देनी चाहिए कि चाहे आप इनके साथ कॉम्बिनेशन में ओफ्लॉक्स दे सकते हैं या फिर लिवोफ्लॉक्स, फ्लॉक्स या फिर सीप्रो ग्रुप फोर की जो ड्रग है कि जिनको सेकंड लाइन ड्रग कहा जाता है एंटीटीबी के अंदर जिसके अंदर इंक्लूड है इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड साइक्लोसेरिन है टेरेजिडॉन है पैरा अमाइनोसेलिसिक एसिड कि जो सेकंड लाइन है और आर एंड टी सी पी के अकॉर्डिंग टू वो ग्रुप फोर के अंदर रखी गई है तो ये ड्रग्स है वो लेस इफेक्टिव है बैक्टीरियो स्टेटिक है मतलब कि वो बैक्टीरिया को किल नहीं करती जस्ट इनकी ग्रोथ इनहिबिट करती है एंड मोर टॉक्सिक ओरल ड्रग फॉर रेजिस्टेंस टीबी मोर टॉक्सिक फिर पांचवी क्लास में जो रखी है आर एन टी सी पी ने वो है ड्रग विथ अनक्लियर एफिकेसी कि जिनको कहा जाता है कि आर द ड्रग विथ अनसर्टेन एफिकेसी नॉट रिकमेंडेड फॉर एम डी आर टीबी मल्टी ड्रग रेजिमेंट टीबी के अंदर उनको रिकमेंडेड नहीं किया जाता बट मे बी यूज इन एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस टीबी एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस से ऊपर के चारों क्लास के मेडिसिन का तो ही आप ये फिफ्थ क्लास को यूज़ करिए जिसके अंदर इंक्लूड है थायासीटाजोन क्लैरिथ्रोमाइसिन क्लोफाजिमाइन एमोक्सिसिलिन, एमोक्सीन और इमिपेनेम और सिलास्टेटिन तो यूजअली क्लास थ्री या फोर तक आपको पहुँचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती यूजली जो पेशेंट है वो यहाँ पे जो क्लास ग्रुप वन के जो मेडिसिन से कि जो फर्स्ट लाइन ओरल कही जाती है और कॉम्बिनेशन में फ्लोरोक्यूनोलॉन्स भी कई बार आप दो तो ठीक हो जाती है और जरूरत पड़े इंजेक्टेबल कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन काना के इसके कुछ दिन इंजेक्शंस के थेरेपी भी पेशेंट को करके उसको आप ठीक कर सकते हैं तो ये टेबल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएम पी है और फार्माकोलॉजी की जो रेफरेंस बुक डी त्रिपाठी बुक में भी आपको ये टेबल जो है वो जरूर से मिल जाएगा तो अब स्टैंडर्डाइज आर एन टी सी पी जो कहे जाता है कि एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिमेंट, मल्टी ड्रग मतलब कि एक से ज्यादा ड्रग का जब कॉम्बिनेशन जब बनता है जिसको एमडीआर कहा जाता है तो उसके अंदर जो इंटेंसिव फेज है सबसे पहले आपके लिए इंटेंसिव फेज छह से नौ महीने का है जिसके अंदर इंक्लूडेड है कानामाइसिन ओफ्लॉक्स और लिवोफ्लॉक्स बिकॉज कोई एक ही फ्लोरोक्विनोलन, बिकॉज ये एफ क्यू की ड्रग है फ्लोरोक्विनोलन तो एनी वन ओफ्लॉक्स या फिर लिवोफ्लॉक्स इथियोनामाइड साइक्लोसेरिन पायराजिनामाइड, इथामब्यूटोल एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो पीछे है वो सिंबल है वो आपके लिए याद रखने के कानामाइसिन के लिए सिंबल है के एम ओफ्लॉक्स के लिए ओ एफ एक्स लिवो फ्लॉक्सेंस -e के लिए एल एफ एक्स इथियोनामाइड के लिए जो सिंबल है वो है ईटीओ साइक्लोसेरिन सी एस एंड पायराजेनामाइड के लिए सिंबल है जेड इथामबिटोल के लिए ई e. पायरेडोक्सिन कॉम्बिनेशन में हंड्रेड एम आप दे सकते हैं इथामबिटोल के साथ सेकंड है कंटिन्यूएशन फेज जो 18 मंथ के लिए चलता है तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखने हैं कि ओफ्लोक्सिन और लिवोफ्लॉक्सिन इथियोनामाइड साइक्लोसेरिन इथामब्यूटोल एक्सेट्रा कि जो स्टैंडर्डाइज आर एन टी सी पी रेजिमेन है स्टैंडर्डाइज किए हुए आर एन टी सी पी के द्वारा प्रॉपर उनके सुझाव के अकॉर्डिंग टू ये बनाया हुआ एक रेजिमेन की मल्टी ड्रग रेजिमेन जिसको कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिमेन तो इसमें से कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके पेशेंट को दिए जाते हैं कि जो हमने देखा शुरुआत के अंदर कि जो ब्लिस्टर्स हमने अलग अलग देखे तो उसमें इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूस फेज के अकॉर्डिंग टू जब एम जब प्रेफर किए जाते हैं पेशेंट को लिए तो इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 18 मंथ तक चलती है इसलिए कहा जाता है कि विदाउट एनी स्कीप अगर पेशेंट ट्रीटमेंट स्कीप ना करे एंड कंटीन्यूसली उसको लेता रहे तो मस्ट भी क्योर हो सकती है ये डिसीज़ हंड्रेड परसेंट जस्ट जो है वो पेशेंट को अच्छे से भरोसा रख के रेगुलरली ये हेल्थ जो डॉट सेंटर है उसको विजिट करके मेडिसिन जो दी जाती है उसको वो कंटीन्यूसली लेते रहना है फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टीबी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं उसका जब एवीएम कॉम्प्लेक्स होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम कॉम्प्लेक्स का जब इन्फेक्शन होता है और डायग्नोसिस में एम पता चलता है तो उसके लिए एक अलग से एक रेजिमेन बनाया जाता है एम के लिए जिसके अंदर इंक्लूडेड है टू और थ्री एंटी माइक्रोबियर एटलीस्ट फॉर ट्वेल्व मंथ और वो इंक्लूडेड है फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से आप मैक्रोलाइड यूज करोगे कि फर्स्ट लाइन ड्रग तो आप यूज करोगे ही उसके साथ मैक्रोलाइड की जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ड्रग है और उसके बाद आपकी मेन टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग लाइक इथामब्यूटोल रिफामाइसिन की जिसके अंदर रिफाम या फिर रिफाब्यूटिन इंक्लूडेड है फिर जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है कि लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है एमिकासिन आर ऑल्सो यूज एज एडिशनल एजेंट तो एमएसी का जब आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे डोज के साथ तो इंटेंसिव फेस के अंदर क्लैरिथ्रोमाइसिन uh, आपने 500 हंड्रेड दिया है पेशेंट को और एजिथ्रोमाइसिन भी 500 हंड्रेड बट ये वंस देंगे अगर आप एजिथ्रोमाइसिन सेलेक्ट करते हैं एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं तो ट्वाइस तो ज़्यादातर एजिथ्रो ही प्रिफर किया जाता है वंस डेली देना है इसलिए और साथ में समझो कि आप इथामबिटोल देते हैं तो इथामबिटोल और कॉम्बिनेशन हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन की जो पर डे लेगा प्रेसेंट वन टेबलेट फिर उसके साथ इंक्लूड रहेगी रिफाबिटिन कि 300 हंड्रेड एम जी पर डे साथ में सिप्रोफ्लॉग्जास फाइव हंड्रेड एम जी अगर सिपलोफ्लॉगजास नहीं देते तो उसके ऑप्शन में है लीवोफ्लॉग्जासिन और लीवोफ्लॉगजास भी आपको नहीं देनी तो उसके भी ऑप्शन में है और में है ये मॉगजीफ्लॉग्जासन तो ये है इंटेंसिव फेज फॉर एमएससी कॉम्प्लेक्स एंड मेंटेनेंस फेज में क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रो इथाम ब्यूटोल रिफाम ब्यूटीन और वन क्लोरोक्विनोलन डोज इन रेंटेनेंस फेज आर द सेम एस इंटेंसिफिक इंटेंसिव फेज में जो डोज थे वो ही यहाँ पे भी सेम रहेंगे तो एंटीटी बी ड्रग्स का जब हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म बनता है वो है फर्स्ट फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे फर्स्ट तो जो एफ है फर्स्ट का वो है फील्ड एफ फॉर फील्ड डिफेक्ट कोजिंग ड्रग्स और जिसका नाम है इथाम्ब्यूटॉल की जिसको ई e सिंबल दिया है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सिंबल है वो क्या इंडिकेट करते तो मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि तो जो ब्लिस्टर के पीछे ये ई e है तो वहाँ पे जो टैबलेट है रखी है वो है इथाम्ब्यूटॉल की वो जो टैबलेट होगी वो है इथामब्यूटोल दैट टैबलेट इज एथामब्यूटोल सेकेंड इज आई एफ के बाद आई आई फॉर आइसोनियजिड एंड द सिंबल फॉर आइसोनियजिड इन वन लेटर दैट इज एच एंड थ्री लेटर सिंबल इज आई एन एच तो हियर वी सी हियर इज दैट इज एच दैट इंडिकेट्स दैट इज ए आइसोनियजिड तो यहां पर जो एच है उसके पीछे जो टैबलेट होगी वो है आइसोनिजिड की फिर ब्लिस्टर में जहां पे आयर होगा तो आर फॉर रिफॉर्म पिसन सिंबॉल इज आर हियर वी कैन सी दैट आर ये जो आर सिंबल है आर फॉर रिफॉर्म पिसिन फिर एस एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिंबल है उसका एस एंड टी ट्वाइस डेली डे गिवन ड्रग्ली टाइस तो वो है पायरा जीनामाइड एंड दैट सिम्बॉल इज ए जेड तो यहाँ पे जो जेड करके पीछे जो दो टैबलेट्स ये एक जेड सेकंड जेड तो ये ब्लिस्टर में हम हाँ देखे कि दो टैबलेट है पायरा जीनामाइड जिसका सिम्बॉल है जेड टू टैबलेट्स ऑफ इथामबिटोल टू टैबलेट्स ऑफ रिफाम पेसिन एंड वन दैट इज ए रिफाम पिसिन ऑल द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर ट्रूग्रर गिवन वंस अडे तो अब तो आपको पता चला होगा कि यह एफ आई आर एस एन टी इस तरह से आपको ये याद रख सकते हैं फिर यह कोड भी आपको चल जल गया फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए एक और स्ट्रीक है वह है पेरिस तो वॉट इज पेरिस तो पी फॉर पायराजनाइड ई फॉर इथामब्यूटोल आर फॉर रिफाम्पेसिन आई फॉर आइसोनिजिड एंड एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन तो ये आपका जो पेरिस बनता है उससे भी आप जो है ये मेडिसिन याद रख सकते हैं इवन उनके कोड पी तो यह है जेड पायराजनामायड के लिए ई फॉर इथामब्यूटोल एच फॉर एच जो है वो आइसोनियजिड के लिए है एंड आर रिफाम्पिसिन के लिए सेकंड लाइन ड्रग के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेकंड एस मतलब कि सेलिसाइलेट एस फॉर सेलिसट्स कि जिसके अंदर है पैरामाइनो सेलिस एसिड ई फॉर इथियोनामाइड देन सी फॉर साइक्लोसेरिन सेकंड का जो सी है साइक्लोसेरिन डी फॉर ओल्ड ड्रग लाइक थायासीटाजोन एन फॉर न्यूअर ड्रग्स एन फॉर न्यूअर ड्रग्स लाइक क्लूरोस जिसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सिन्स होते हैं फ्लोरोस लिवर फ्लॉक्सिन गॉक्स और मैक्रोलाइड में क्लैरिथ्रो एजिथ्रो वगैरह और डी फॉर ड्रग्स कि जो रेयरली यूज ड्रग लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड कैप्रियोमाइसिन कानामाइसिन एमिकासिन रिफाब्यूटिन तो यह है सेकंड लाइन ड्रग ऑफ टीबी थर्ड लाइन ड्रग कुछ दी है वो है कैप्रियोमाइसिन कि जिसके मेकोनिज्म अभी तक अननोन है एंड साइक्लोसेन की जो इनहिबिट करती है सेल वॉल एंड लीड्स सेल तो इस तरह से ये काम करती है कि जो माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल है उसकी डेथ करेगा बिकॉज सेल वॉल जो सिंथेसिस होगा एम का वो ही इनहिबिट कर देगी ये एंटीबायोटिक जिसके कारण वो बैक्टीरिया की आगे जाके सेल की डेथ होगी और ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अब किल हो जाती है जो दो और दो न्यूर ड्रग्स है वो है बीडाक्विल एंड डीलामानीड है फॉर द यूज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस ऑफ टीबी एंड कंजसन विध अदर एजेंट तो मिकेनिज्म देखे तो आइसोनियजिड है वो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जो ये बैक्टीरिया के आसपास माइकोलिक एसिड का ये कोटिंग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के आसपास माइकोलिक एसिड का जो कोटिंग होता है उसको अफेक्ट करता है आइसोनियजिड उसके बाद रिफॉर्म की जो डीएनए एंड आरएनए की जो एक्टिविटी को अफेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर और आगे जाके उसको किल करता है इथियोनामाइड क्या करेगा तो सेल डिवीजन प्रिवेंट करवा देगा जिससे माइकोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस उसका सेल डिवीजन अटक जाता है एंड रिफा पेंटिन क्या करेगी डीएनए एन एंड आर एन ए का जो सिंथेसिस होगा वो अल्टर करेगा इन दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया और जिसके कारण आगे जाके वो जो बैक्टीरिया है उसकी हो जाएगी डेथ और पेशेंट की बॉडी में से ये बैक्टीरिया कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो इथामब्यूटोल की जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है पायराजनामायट की जो बैक्टीरिया सीडल एंडस्टिटिक दोनों इफेक्ट है एंड साइक्लोसेरिन की जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको अफेक्ट करता है रिजल्टिंग सेल डेथ तो जब आप मल्टी ड्रग थेरापी की मल्टीपल मेडिसिन जब टारगेट करते हैं ये बैक्टीरिया के लिए तो ऑब्वियसली वो जो है वो डेथ हो जाएगा बट टाइम लेगा इसी के कारण जो ट्रीटमेंट है वो लंबी चलती है टीबी की और पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट उसकी कंप्लीट करनी पड़ती है अच्छे से उसको जो है वो ट्रीटमेंट पे भरोसा रख के ट्रस्ट करके कंटिन्यूसली विदाउट एनी टाइप ऑफ पैनिक कंडीशन उसको मेडिसिन लेनी है और वो क्योर भी हो जाता है कुछ साइड इफ़ेक्ट उसको फेस करनी पड़ेगी कि लाइक न्यूरिटिस है डिजीनेस हैडेक मैलिस फिर सी के अलावा जी ट्रैक पे पर देखे तो नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया स्टमक अपसेट वगैरह साइड इफ़ेक्ट हो सकती है तो ये था हमारा मेन वीडियो लेक्चर ऑन डॉट्स थेरापी उसके ट्रीटमेंट क्षय रोग का इलाज टीबी का इलाज हम का या फिर मेडिसिन फॉर टीबी तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर से शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से मैसेज करिए आपका नाम लिखकर एंड सिटी नेम लग के व्हाट्सएप करिए ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल प्रेस ऑन बेल आइकॉन डाउनलोड फार्मा रॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर लिंक्स इन ए डिस्क्रिप्शन बॉन्ड एक्सेस द सब्जेक्ट वाइज नोट्स पी डी एफ एंड पीपीडीज ऑफ अवर लेक्चर, रैपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस रहेगी कि एप्पल आईफोन के ऐप स्टोर पर भी आप अवेलेबल है एज वेल एज ऑन गूगल प्ले स्टोर तो अब जो भी यूज़र है आईफोन या फिर एंड्रॉयड यूजर लिंक्स चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन द एप फार्मारॉक्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट